नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहं नमो जनम येसु पंच नमोकार सर्व पापनाशनो मंगलानं च सर्वे सिंपरमं विमंगलं जतारि मंगलमरियंता मंगलं सिद्धां सौ मंगलं केवलीपनतु तमो मंगलं जतारि मंगलं जतारि शरणं भजामि यंता शरणं भजामि सिद्धां शरणं भजामि सौ शरणं भजामि केवलीपनतु तमो शरणं भजामि जतारि लोकमरियंता लोकमा सिद्धां लोकमा सौ लोकमा केवलीपनतु तमो लोकमो अंगूठे मृद्वजे लब्धि तणा मंडार श्री गुरु तम समरिय मनो चित फलदाता पाठ परम नायक श्री सुधर्म स्वामी ने नमः। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूल भद्राचार्य जैन धर्मस्तु मंगलम मंगलम पद्मजीता देव मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्यदेव इंद्र कला पूर्ण सुमंगलम कला प्रभ सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। कल्पतरु सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। तीर्थभद्र सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। दो दिन से हम ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म में, ज्ञानावरणीय कर्म के पांच प्रकार, मति ज्ञानावरणीय कर्म, शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म, मनोप्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म और केवल ज्ञानावरणीय कर्म, ये पांच प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के है। दर्शनावरणीय कर्म के नौ प्रकार है, जिसमें से हमने पांच निंद्रा के प्रकार कर लिए थे। पहला प्रकार है निंद्रा, दूसरा प्रकार है निंद्रा निंद्रा, तीसरा प्रकार है प्रचला, चौथा प्रकार है प्रचला प्रचला और पांचवा प्रकार है थी नदी। ये पांच प्रकार निंद्रा के हमने किए, पांच प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के किए और आज चार प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के करेंगे और जानेंगे कि दर्शनावरणीय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म में क्या विशेषताएं हैं और क्या सिमिलैरिटी है, यानी एक जैसा ये दोनों में क्या है। दर्शनावरणीय कर्म के चार प्रकार है, उसमें से पहला है चक्षु दर्शनावरणीय कर्म। चक्षु दर्शनावरणीय कर्म यानी जिसके उदय से चक्षु द्वारा होने वाले पदार्थ सामान्य ज्ञान का आवरण हो, यानी जिससे आपको जो सामान्य चीजें होती है, जो आपको आंख से दिखती है, यह आपको ना दिखे या आपको दिखे लेकिन फिर भी उसका आपको सामान्य ज्ञान ना मिले, यानी चक्षु दर्शनावरणीय कर्म। यानी जो चीजें आपको आंख से दिख सकती है, यह सभी चीजों का सामान्य ज्ञान ना मिले, इसे चक्षु दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। सामान्य ज्ञान मिल भी सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामान्य ज्ञान उसका हमें नहीं मिलता है किसी ना किसी कारण से, जिसके कारण सामान्य ज्ञान अटकता है, पूर्ण तरह से नहीं मिलता है या आधा अधूरा मिलता है, तो यह चक्षु दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। जो पदार्थ आप देख सकते हैं, उसी पदार्थ का जब भी सामान्य ज्ञान आपको पूर्ण या पूर्ण नहीं मिलता या बिल्कुल नहीं मिलता, तो यह चक्षु दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है, इसे चक्षु दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। दूसरा प्रकार अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म। अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म यानी जिसके उदय से अन्य इंद्रियों से तथा मन से होता सामान्य ज्ञान का आवरण हो, यानी क्या, जिसके उदय से आंख के अलावा आप जो देख सकते हैं उसके अलावा जो इंद्रिय से और मन से जो चीजें आपको चक्षु से नहीं दिखती और जिसका ज्ञान आपको इंद्रिय तथा मन से होता है, मन के कारण और इंद्रिय के कारण जिसका जिसका आपको ज्ञान प्राप्त होता है, वह चीज का सामान्य ज्ञान आपको ना मिले, यह अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के कारण होता है। चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के कारण क्या होता है, तो जो चीजें आपको दिखती है उसका सामान्य ज्ञान नहीं मिलता है, जो चक्षु से आप देख सकते हैं उसका सामान्य ज्ञान आपको चक्षु के कारण नहीं मिलता है। और अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म में जो इंद्रिय से और मन से जो सामान्य ज्ञान होता है, यह ज्ञान आपको नहीं होता है, यह ज्ञान आपको आवरण होता है, यह ज्ञान आपको बाधक रूप होता है, यानी आपको नहीं मिलता है, तो यह अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के कारण होता है। यानी क्या, आपको जो जो
सामान्य ज्ञान सारी इंद्रिय से और मन से मिलता है, यह आपको ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं मिल पाता। यह अचक्षु दर्शनावणीय कर्म के कारण, चक्षु दर्शनावणीय कारण कर्म यानी जो ज्ञान सामान्य ज्ञान आँख से मिलता है यह रुक जाता है। अचक्षु दर्शनावणीय कर्म में जो ज्ञान इंद्रिय और मन से मिलता है यह रुक जाता है, यह आप तक नहीं पहुंचता है। तीसरा प्रकार है अवधि दर्शनावणीय कर्म। इसमें आपको रूपी पदार्थों का साक्षात सामान्य ज्ञान नहीं होता है। यानी क्या? साक्षात सामान्य ज्ञान यानी डायरेक्ट या सीधा आत्मा को उसका ज्ञान नहीं होता है। हमने ऊपर पढ़ा, पहले में चक्षु से ज्ञान होता है, दूसरे में मन और इंद्रियों से ज्ञान होता है, तीसरा यानी रूपी पदार्थों का साक्षात ज्ञान नहीं होता है, यानी आत्मा को सीधा सामान्य ज्ञान नहीं होता है। इसे अवधि दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। ये जो अवधि ज्ञान होता है ये, और ये थोड़ा सिमिलर है, ये कैसे सिमिलर है ये हम आगे पढ़ेंगे। हम जितने भी दिखने वाले पदार्थ है उसका हमें सीधे ज्ञान नहीं होता है, यह अवधि दर्शनावरणीय कर्म के कारण होता है। अवधि दर्शनावरणीय कर्म के अंदर क्या होता है? तो जो जो रूपी पदार्थ है, रूपी यानी जितने भी पदार्थ दिखने वाले हैं, यह दिखने वाले पदार्थ जो आपको शायद ना भी दिखे लेकिन जिसके पास रूप होता है, शरीर होता है, तो उसका जितने भी ऐसे पदार्थ है जिसके पास रूप होता है, शरीर होता है, जो आपको शायद दिखे ना दिखे लेकिन फिर भी यह रूपी है, जिसके पास शरीर है, रूप है, ऐसे सारे पदार्थों का सामान्य ज्ञान आपको ना हो, सीधा ना हो, अंदर से ना हो, आत्मा को सीधा ना हो, साक्षात्कार इसका सामान्य ज्ञान ना हो, तो इसे अवधि दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। इसके बाद केवल दर्शनावरणीय कर्म। इसके उदय से जगत के समस्त रूपी अरूपी पदार्थ का विषयक सामान्य बोध नहीं होता है। यानी क्या? जितने भी जगत में दिखने वाले या न दिखने वाले पदार्थ है उसका आपको सामान्य ज्ञान नहीं मिलता। यह किसके कारण? तो केवल दर्शनावरणीय कर्म के कारण। आप देखेंगे लगभग सभी जितने भी जीव हैं जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं पता, उन्हें रूपी पदार्थों का तो शायद ज्ञान थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अरूपी पदार्थों का ज्ञान बहुत ही मुश्किल है मिलना। इसीलिए तत्व ज्ञान पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमने जो पहले जीवविचार पढ़ा उसके अंदर रूपी और अरूपी पदार्थों का भी हमने ज्ञान दिया कि कौन से पदार्थ रूपी होते हैं और कौन से अरूपी होते हैं। अरूपी पदार्थ यानी वो नहीं जो आपको नहीं दिखते, लेकिन अरूपी पदार्थ यानी वो जिसके पास शरीर नहीं होता। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि समय, समय अरूपी है, यह रूपी नहीं है, और समय के बहुत सारे विभाजन है, यह कैसे होते हैं ये हमने पहले पढ़े है काल में। तो रूपी पदार्थ यानी जितनी भी चीजें दिखती हो और साथ में जिसके पास शरीर हो, आपको दिखे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी जितनी भी चीजें के पास शरीर हो, रूप हो, यह सभी रूपी चीजें, और जिसके पास शरीर या रूप ना हो यह सभी अरूपी चीजें हैं। तो यह सभी अरूपी चीजें और रूपी चीजें, यह दोनों का सीधे आत्मा को साक्षात ज्ञान सामान्य ज्ञान न होना, इसे केवल दर्शनावरणीय कर्म कहा जाता है। दर्शनावरणीय कर्म के चार प्रकार। पहला चक्षु दर्शनावरणीय यानी आंख से दिखने वाली चीजों का सामान्य ज्ञान नहीं होता। दूसरा अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म यानी आपकी इंद्रिय और मन से होने वाला सामान्य ज्ञान आपको नहीं होता। तीसरा अवधि दर्शनावरणीय कर्म यानी जितने भी चीजें, जितने भी रूपी पदार्थ हैं, जितने भी रूपी पदार्थ है, ये पुद्गल अस्थि का और काल यह दोनों के अंदर आता है, जितने भी रूपी पदार्थ हैं यह आपको नहीं दिखते और उनका सामान्य ज्ञान आपको सीधा साक्षात आत्मा को नहीं होता। और चौथा प्रकार यह है केवल दर्शनावरणीय कर्म। केवल दर्शनावरणीय कर्म के अंदर आपको सारी रूपी और अरूपी चीजों का पूर्ण ज्ञान या सामान्य ज्ञान आत्मा को नहीं होता। यह केवल दर्शनावरणीय कर्म है। अभी हमने बोला था कि ज्ञानावरणीय कर्म यानी सभी वस्तुओं का विशेष ज्ञान, और दर्शनावरणीय कर्म यानी सभी वस्तुओं का सामान्य ज्ञान। ज्ञानावरणीय कर्म विशेष ज्ञान को रोकता है, दर्शनावरणीय कर्म सामान्य ज्ञान को रोकता है। दोनों ज्ञान ही है एक प्रकार से, लेकिन फर्क क्या है? तो दर्शनावरणीय कर्म सामान्य है, आपको धरे कॉमन है, यानी कॉमन बेसिक सेंस बोल सकते हो या कॉमन सेंस बोल सकते हो या जनरल नॉलेज,
जनरल जो बोलते हो, जीके जो बोलते हो साइंस का, जीके यानी जनरल, जो सामान्य होता है, सामान्य माहिती होती है, यह दर्शन है, और विशेष माहिती है, ये ज्ञान है। सरल भाषा में ऐसे सीखेंगे तो यह हम जो पढ़ रहे हैं अभी, यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा हायर लेवल है, बड़ा आगे का है और गहरा ये। हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सामान्य है, यानी सामान्य ज्ञान है। आप जो ले रहे हो अभी ये सामान्य ज्ञान है। दर्शन यानी सामान्य ज्ञान और ज्ञान यानी विशेष ज्ञान है, दोनों प्रकार ज्ञान के। लेकिन अभी क्या समानताएं हैं और क्या विशेषता है, ये हम अभी पढ़ेंगे। ज्ञानावरणीय कर्म के 5 प्रकार हमने पढ़े, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञानावरणीय कर्म हमने जो पढ़ा, जो अवधि ज्ञान को आने से रोकता है। अवधि ज्ञान यानी इंद्रिय और शास्त्र वगैरह की सहायता के बिना आत्मा को अंदर से रूपी पदार्थों का जो साक्षात ज्ञान होता है, यानी अंदर से आत्मा को जो ज्ञान आता है रूपी पदार्थों का, बिना इंद्रिय और शास्त्र की सहायता के बिना जो आत्मा को अंदर से रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है, यह अवधि ज्ञान कहते हैं। और अवधि ज्ञान जब भी नहीं होता है तभी इसे, या अवधि ज्ञान जो नहीं आने देता है, इसे अवधि ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाता है। अवधि ज्ञानावरणीय कर्म मनुष्य गति में होता ही है। इसमें आप यह कर्म का क्षय करोगे तभी अवधि ज्ञान प्रकट होता है। देवलोक और नरक गति में ऐसा कर्म होने के बावजूद भी अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि वो शरीर का ज्ञान है, वो शरीर के साथ ही आ जाता है। मनुष्य लोक में और तिर्यंच गति में यह ज्ञान नहीं आता है, बाकी सारे जीवों को भी यह ज्ञान नहीं होता है। इसके बाद हमने पढ़ा अवधि दर्शनावरणीय कर्म, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म भी पढ़ा, अवधि दर्शनावरणीय कर्म भी पढ़ा। अवधि दर्शनावरणीय कर्म यानी क्या, तो यह सामान्य ज्ञान, सभी रूपी पदार्थों का आत्मा के, आत्मा को सामान्य ज्ञान नहीं होता है, यह दर्शना अवधि दर्शनावरणीय कर्म। और सभी रूपी पदार्थों को अंदर से आत्मा का जो विशेष ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है सभी रूपी पदार्थों का, और यह संपूर्ण ज्ञान को आने से जो रोकता है, यह अवधि ज्ञानावरणीय कर्म। तो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म और अवधि दर्शनावरणीय कर्म, ये दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों में समानता है क्या है कि यह दोनों ज्ञान रूपी पदार्थों का है। दर्शनावरणीय में से उसका सामान्य ज्ञान है और ज्ञानावरणीय में उसका विशेष ज्ञान है, ये एक फर्क है। बाकी ये दोनों रूपी पदार्थों का ज्ञान आने से यह दोनों कर्म रोकते हैं। जितने भी रूपी पदार्थ है उसका आपको सामान्य ज्ञान न मिले तो यह अवधि अवधि दर्शनावरणीय कर्म का उदय। और यदि आपको सभी रूपी पदार्थों का सामान्य ज्ञान मिला लेकिन आपको उसका विशेष ज्ञान नहीं मिला तो यह आपको अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, ऐसा करके जानना। इसके बाद हमने पढ़ा चक्षु दर्शनावरणीय और अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म। चक्षु दर्शनावरणीय यानी क्या, तो जिसके उदय से आपको सामान्य ज्ञान चक्षु के कारण होता है, यही मति ज्ञान भी है। तो मति ज्ञान में 5 इंद्रिय और मन, यह दोनों की सहायता से आपको जो ज्ञान होता है यह मति ज्ञान है। और यह जो मति ज्ञान को आने से रोकता है, यह मति ज्ञानावरणीय कर्म। और चक्षु दर्शनावरणीय कर्म क्या यानी क्या है, जो चक्षु को, चक्षु से होने वाले ज्ञान को जो रोकता है, सामान्य ज्ञान को रोकता है, ये चक्षु दर्शनावरणीय कर्म। और दूसरा अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म यानी जो इंद्रिय और मन की, मन के होने वाले, मन से होने वाले सामान्य ज्ञान को रोकता है, यह चक्षु दर्शनावरणीय कर्म। तो चक्षु दर्शनावरणीय कर्म और अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म, यह इंद्रिय और मन से होने वाले सामान्य ज्ञान को रोकते हैं। और चक्षु के अंदर आँख भी आती है और अचक्षु के अंदर बाकी की सारी इंद्रिया भी आती है। और मति ज्ञान यानी क्या है, जो 5ों 5 इंद्रिय और मन के, मन से होने वाले विशेष ज्ञान को रोकते हैं। यानी क्या, मति ज्ञान यानी जो विशेष ज्ञान को रोकते हैं 5 इंद्रिय और मन के। और चक्षु और अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म मन से और 5 इंद्रियों से होने वाले सामान्य ज्ञान को रोकते हैं। सिर्फ इतना फर्क है। दोनों में समानता क्या, तो दोनों 5 इंद्रिय और मन के ज्ञान को रोकते हैं। 5 इंद्रिय यानी क्या, हमारी स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और हमारी श्रवण इंद्रिय या श्रोतेन्द्रिय। यह 5 इंद्रिय के और मन के, मन से होने वाले ज्ञान को जो रोकता है, यह चक्षु और अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म और हमारा मति ज्ञानावरणीय कर्म। मति ज्ञानावरणीय विशेष ज्ञान को रोकता है, चक्षु दर्शनावरणीय और अचक्षु दर्शनावरणीय सामान्य ज्ञान को रोकता है, लेकिन यह दोनों इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को रोकते हैं। इसके बाद अवधि ज्ञानावरणीय और अवधि दर्शनावरणीय कर्म,
आत्मा से होने वाले साक्षात रूपी पदार्थों के ज्ञान को रोकता है। अवधि दर्शनावरणीय सामान्य ज्ञान को रोकता है, अवधि ज्ञानावरणीय विशेष ज्ञान को रोकता है। इसके बाद मनोप्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म, यह आपका अलग ज्ञान है, यह अंदर से आता है। इसमें और दर्शनावरणीय कर्म के किसी भी प्रकार के कर्म में कोई समानता नहीं है, ये पूरा विशेष है और अलग है। इसके बाद केवल ज्ञानावरणीय कर्म, केवल ज्ञानावरणीय कर्म केवल ज्ञान को रोकता है। केवल ज्ञान यानी संपूर्ण विश्व का संपूर्ण ज्ञान, जिसमें कुछ भी आपको अज्ञान नहीं है, इसे केवल ज्ञान कहेंगे। और केवल ज्ञान को जो रोकता है, यह हमारा केवल ज्ञानावरणीय कर्म। केवल ज्ञान एक तरह से ऐसा भी जान सकते हैं कि रूपी और रूपी पदार्थों का यानी लोक अलोक के पदार्थों का संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान यह रोकता है। तो केवल ज्ञानावरणीय कर्म संपूर्ण ज्ञान को आने से रोकता है। और रूपी और अरूपी पदार्थों का सामान्य ज्ञान यानी केवल दर्शनावरणीय कर्म इसे रोकता है। सामान्य ज्ञान को केवल दर्शनावरणीय रोकता है और पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञानावरणीय कर्म रोकता है। तो ये दोनों फर्क है और दोनों में समानता यह है कि केवल ज्ञानावरणीय कर्म और केवल दर्शनावरणीय कर्म रूपी और अरूपी पदार्थों के ज्ञान को रोकता है। केवल ज्ञानावरणीय कर्म समस्त ज्ञान को रोकता है, पूर्ण ज्ञान को रोकता है, और केवल दर्शनावरणीय कर्म सामान्य ज्ञान को आने से रोकता है। और यह दोनों रूपी और अरूपी पदार्थ का ज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान लेकिन समस्त पदार्थों का, और विशेष ज्ञान या पूर्ण ज्ञान भी समस्त पदार्थों का। केवल ज्ञान में एक भी पदार्थ का आपको अज्ञान नहीं रहता, संपूर्ण ज्ञान का संपूर्ण पदार्थों का संपूर्ण ज्ञान होता है। केवल दर्शन के अंदर आपको सभी वस्तुओं का, सब रूपी और सभी अरूपी और रूपी पदार्थों का सामान्य ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान या विशेष ज्ञान नहीं होता है। इसे जो रोकता है यह केवल दर्शनावरणीय कर्म, और जो पूर्ण ज्ञान को रोकता है यह केवल ज्ञानावरणीय कर्म। पांच प्रकार की निंद्रा हमने जो कल पढ़ी थी, ये वापस आज पढ़ देंगे। आज हमने ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म के अंदर विशेषता और समानता पढ़ी। यह अभी निंद्रा के पांच प्रकार पढ़ लेंगे। पहला है निंद्रा। निंद्रा यानी अल्प निंद्रा, जिसके अंदर आप सोते ज्यादा है लेकिन आपको उठते हैं तभी थकावट ही लगती है, आप जितना भी सो ले फिर भी अच्छा नहीं लगता है, तो यह मिच्छामि दुर्गुणम्। यह निंद्रा निंद्रा के कारण होता है। निंद्रा यानी कम अल्प निंद्रा के अंदर आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है, आप उठते तभी एकदम फ्रेश एकदम ताजा होते हैं, तो यह निंद्रा के कारण। निंद्रा निंद्रा यानी ज्यादा सोते हैं फिर भी थकावट लगती है। इसके बाद प्रचला यानी आप बैठे बैठे सोते हैं और खड़े खड़े सोते हैं, यानी प्रचला। इसके बाद प्रचला प्रचला यानी आप चलते चलते सोते हैं। और इसके बाद थी नदी यानी पांचवा प्रकार, थी नदी। इसके कारण आप जो दिन में सोचते हैं, जो खराब विचार या कुछ भी आपको दिन में आता है, यह आप रात को स्वप्न के अंदर करते हैं। जो दिन में सोचते हैं लेकिन वास्तविक जगत में जो आप नहीं अंजाम दे सकते, जिस विचारों को आप सोचते हैं लेकिन वास्तविक जगत में ताकत न होने के कारण आप उस विचारों को अंजाम नहीं दे सकते, लेकिन वही विचारों को आप रात को स्वप्न में सोते वक्त अंजाम दे देते हैं, उस सभी विचारों को आप रात को स्वप्न के अंदर साकार करते हैं, तो यह थी नदी कर्म के कारण होता है। थी नदी के कारण सीधी नरक गति का बंध होता है और इतने चिकने कर्म का बंध होता है, जिससे दुर्गति दुर्गति आगे आती है और आपके दोष बढ़ते हैं और साथ में अंदर विषय और कषाय बढ़ते हैं। और विषय और कषाय के बढ़ने के कारण आगे भी और चिकने कर्म का बंधन यह कषायों के कारण होता है, जिससे आगे वेदनीय कर्म का बंधन होता है। वेदनीय कर्म हम कल से पढ़ेंगे। इतने दिन 3 दिन से हमने ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म के प्रकार, समानता है, विशेषता है, और वो कैसे अलग है यह भी पढ़ा। ज्ञानावरणीय कर्म सिर्फ एक मनोप्रयोग ज्ञानावरणीय कर्म से अलग होता है। और एक बात, थी नदी के निंद्रा वाले बल में आपको वासुदेव से आधा जितना बल होता है, और वो प्रथम संग्रहण वाला होता है। अन्यथा अपना स्वाभाविक बल से 8 से 10 गुना बल स्वप्न के अंदर ज्यादा होता है। जब भी आप थी नदी कर्म में होते हैं या थी नदी निंद्रा के अंदर आप करते हैं, यानी निंद्रा के अंदर आप ऐसे चीजों को अंजाम देते हैं जो आपने दिन में सोची हो, तभी आपके अंदर प्रथम संग्रहण वाला वासुदेव से
आधे जितना बल होता है, या फिर आपके अंदर आपके पास हो उससे 8 से 10 गुना बल बढ़ जाता है स्वप्न के अंदर। और इसके कारण ही जब भी जीव निद्रा के अंदर ऐसे कठिन कार्य कर लेता है, और जागृत स्थिति में जो संभव नहीं होते ऐसे कार्य निद्रा के अंदर कर लेता है, तभी सीधा नरक गति का बंधन वह एक ही रात में हो जाता है। यह जरूरी आप जान लेना एक बात, इसीलिए कभी भी किसी पे बैर भाव ना रखे, किसी के बुरे विचार ना रखे। आप चाहते या ना चाहते वो भी रात में यदि स्वप्न के अंदर वो कार्य कर डाला तो उसे सीधा नरक गति का बंधन होगा ही, और उसकी निर्जरा नहीं होती है कोई भी हिसाब से। इसकी एक बात ध्यान में रखे और साथ में आगे पढ़ते हैं। 4 दर्शनावरण दर्शन शक्ति को प्रकट नहीं होने देते, 5 निंद्रा व प्राप्त दर्शन को समूल नष्ट करती है। जो 4 दर्शनावरण कर्म पड़े यह हमारी दर्शन शक्ति को प्रकट ही नहीं होने देते, और जो 5 निंद्राएं हमने पढ़ी थी कल, यह सब प्राप्त दर्शन को नष्ट कर देती है। जो दर्शन हमने प्राप्त कर लिए हैं यह सभी दर्शन को वह नष्ट कर लेती है। दर्शन यानी सभी चीज का सच्चा और सामान्य ज्ञान, इसे दर्शन कहेंगे, और सभी चीजों का, पदार्थों का सच्चा और विशेष ज्ञान इसे ज्ञान कहेंगे। तो जो प्राप्त किया हुआ दर्शन है यह, ये जो 5 प्रकार की निंद्रा है यह नष्ट कर डालती है, और दर्शनावरणीय कर्म के 4 प्रकार है यह दर्शन को आने नहीं देते। दर्शन को आने क्यों नहीं देते? क्योंकि हम पे मिथ्यात्व का गाढ़ा हम पे आवरण होता है। मिथ्यात्व दर्शन को नहीं आने देता है। और 5 ये जो प्रकार है दर्शन के, दर्शनावरणीय कर्म के, यह भी दर्शन को नहीं आने देते और मिथ्यात्व लेके आते। इसके कारण भी कर्मों का बंधन होता है। और निंद्रा जो है 5 प्रकार की, यह क्या करती है? तो हमारा जो दर्शन आ गया है, जो दर्शन हमें है, जो मिथ्यात्व को हमने थोड़ा थोड़ा करके दूर किया है, और असली दर्शन हमने असली ज्ञान जो जाना है इसे वो दूर कर देता है। जो आ गया है उसे भी दूर कर देता है, तो वो काम निंद्रा करता है। द्वारपाल मनुष्य को बाहर रोक देता है, अतः भीतर में रहा हुआ मालिक उसे देख नहीं सकता। उसी तरह इस कर्म के उदय से अंदर रहा हुआ जीव बाहर के पदार्थों को नहीं देख सकता। अंदर रहा हुआ हमारा आत्मा जो है बाहर के असली पदार्थों को नहीं देख पाता, उस पे आवरण चढ़ जाता है। यह बाहर के असली पदार्थों को अंदर तक महसूस नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो यह दर्शनावरणीय कर्म के कारण होता है। इसलिए दर्शनावरणीय कर्म द्वारपाल जैसा है, जो मनुष्य को राजा तक नहीं आने देता, उसी तरह ये दर्शनावरणीय कर्म सारे पदार्थों का सच्चा और सामान्य ज्ञान को आत्मा तक नहीं आने देता। इसलिए दर्शनावरणीय कर्म को द्वारपाल की उपमा दी गई है, और ज्ञानावरणीय कर्म को हमारा ब्लाइंड फोल्डिंग यानी आंखों पर पट्टी जैसे की उपमा दी गई है। पट्टी इसीलिए क्योंकि यह आत्मा तक विशेष ज्ञान को नहीं पहुंचने देता, यह आत्मा को अंधा कर देता है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा को मिथ्यात्व की पट्टी पहना देता है। मिथ्यात्व की पट्टी जब भी आप पहन लेते हो तभी पता नहीं चलता है कि आपको सही क्या है और गलत क्या है। सच्ची मान्यता को गलत मान लेते हो और गलत मान्यता को सही मान लेते हो, तो यह मिथ्यात्व के कारण होता है। मिथ्यात्व क्या है ये हम 18 पाप स्थानक में आगे पढ़ने वाले हैं। तो मिथ्यात्व के कारण ये जो आपके आगे पट्टी पड़ जाती है, पट्टी जो मिथ्यात्व जैसी होती है, यह ज्ञानावरणीय कर्म के कारण होती है। यह ज्ञानावरणीय कर्म आंखों के सामने पट्टी जैसा है। आत्मा को आप विशेष ज्ञान का इससे मालूम नहीं पड़ता है, आत्मा को विशेष ज्ञान तक पहुंचने नहीं देता है, आत्मा को अपने अंदर के ज्ञान तक पहुंचने नहीं देता है, तो यह ज्ञानावरणीय कर्म के कारण होता है। इसके कारण आत्मा अवधि ज्ञान जो अंदर से आता है, केवल ज्ञान जो अंदर से आता है, और मन प्रयोग ज्ञान जो अंदर से आता है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म की निर्जरा अवश्य करें। निर्जरा क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। कल से हम हमारा वेदनीय कर्म से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, आज यहीं पे समाप्त करेंगे। सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मान जयति शासनम।